मैं हूँ रमन और ये है मेरे पास आज टाटा नेक्सोन। ये भाई बिल्कुल टॉप एंड वाला मॉडल है। ये डीजल में आपको मिलता है, पेट्रोल में दोनों में अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल टॉप है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता है। तो भाई मैं अगर आपको सबसे पहले इसकी की दिखा दूँ तो कुछ ऐसी की मिलती है, जैसे पंच टियागो वगैरह हर गाड़ी में ये ऐसी की प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये लॉक का मिल जाता है, ये बूट वगैरह का, और ये अनलॉक का मिल जाता है, और अलॉय व्हील्स वगैरह आपको प्रोजेक्टर कंप्लीट मिल जाता है इसमें। तो चलो भाई हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ आपको टाटा प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलती है, यहाँ पर टाटा का लोगो मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, आपको इस साइड यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं। और भाई एक और है जो टाटा की बहुत ही खास बात है, इसमें आपको प्रोजेक्टर के साथ हेलोजन का भी कम्प्लीट सेटअप मिलता है। भाई सामने से अगर बात करें तो भाई को काफ़ी मस्कुलर सी लगती है, देखिए तो जैसे हैरियर इनकी सफारी लगती है, कुछ वैसी वैसी लगती है ये भी। मतलब ये आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाता है, ये ब्लैक मिलता है, ये हेलोजन का ये फोग लैम्प मिल जाता है। अगर मैं इसके DRLs बात करूँ तो भाई इंडिकेटर्स पे भी ऑन होते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं, मतलब बहुत ही मस्त लगते हैं। मतलब रात को जब ऑन होती है ना गाड़ी तो मतलब ये वाइट कलर के बिल्कुल मस्त लगते हैं। भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो कुछ ऐसी लुक आती है गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। और अलॉय डायमंड कट आपको अलॉय मिलते हैं भाई, जो कि ड्यूल टोन में है। और भाई टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें आपको कुछ ये साइज़ मिलता है 215/60/R16 इंच का आपको इसमें अलॉय मिलता है। और ये भाई अगर गाड़ी कंपटीटिव बात करें तो भाई ब्रेजा वगैरह वेन्यू से करती है, और भाई ब्रेजा से तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये आपको इसके ऑटो ORVMs मिल जाते हैं भाई, ये बॉडी कलर हैंडल मिल जाते हैं, रूफ रेल्स मिल जाते हैं भाई, और एक और भाई इसमें आपको सनरूफ मिल जाता है गाड़ी में, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि ब्लैक है, ड्यूल टोन है ये गाड़ी। रियर में वाइपर वगैरह मिल जाता है, ये आपको हेलोजन ये मिल जाता है LED के साथ। ये वाइपर वगैरह मैंने दिखा दिया था, यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए कैमरा मिल जाता है, नेक्सोन की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अगर आपकी पॉकेट में चाबी होती है तो आप इसे प्रेस करके अपने आप खोल सकते हैं। नीचे दिखाऊं तो भाई एक और है, टाटा में सिर्फ आपको दो ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं। भाई इस साइड पीछे दिखाऊं तो कुछ ऐसी लुक आती है गाड़ी की, मस्त आती है बिल्कुल। तो चलो भाई मैंने आपको बाहर से तो मतलब कंप्लीट दिखा दिया, चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जिसे मतलब आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। आपको ये ड्यूल टोन में पूरा कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रोम में ये मिल जाता है, ये लॉक अनलॉक के लिए हो गया है। यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर कोई बैजिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर और बोटल होल्डर दोनों मिल जाते हैं, ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ये चार पावर विंडो मिल जाती है इसमें, और ये और मस्त चीज़ें रखी है, मतलब अगर आपको रात को भी मेन हाईवे पे है अगर ये विंडो खुली है ना तो पीछे कोई आएगा तो ये मतलब चल जाती है, मतलब पीछे लाइट पड़ती है ना तो इसका वो आता है तो मतलब उसको भी पता चल जाएगा हाँ भी कोई खड़ा है और विंडो खुली है। तो भाई गाड़ी के अंदर देखते हैं मतलब कैसा कुछ है। इग्निशन आप ऑन कर लेते हैं भाई, इग्निशन इनका टाटा में भी ऐसा ही मिलता था, मतलब जैसे टाटा की वो जो इनकी है टियागो उसमें कुछ ऐसा ही मिलता था भाई। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको स्टीरियो वगैरह मिल जाता है, ड्यूल में आपको ये मिल जाता है, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता, मतलब अंदर तक है देखिए, कोल्ड ग्लव बॉक्स है, कुछ ऐसे AC वेंट्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको AC मिल जाते हैं। और भाई मेन जो इस गाड़ी को मतलब बंदे खरीदते हैं ना वो खरीदते हैं इसके लिए, इसकी जो है मतलब इतनी बड़ी सारी सनरूफ। इसको आपको ओपन करके दिखाऊं भाई, देखिए मतलब एक बंदा तो आराम से खड़ा हो सकता है, मतलब अगर बच्चों आए तो भाई दो बच्चे आराम से खड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत ही बड़ी लगती है काफ़ी। बात करूँ तो भाई पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है भाई। हेड रेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, इधर आर्म रेस्ट मिल जाता है, और भाई ये और एक है मतलब ग्लास होल्डर देखते हैं ना आप नॉर्मल होते हैं, इसमें ये मतलब काफ़ी मतलब प्रीमियम सा लगता है, मतलब इसके अंदर मतलब ये होता है ना मतलब वायरलेस चार्जर जैसा लगता है। ये आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, और ये मतलब जैसे आप BMW मर्सिडीज़ वगैरह देखते हैं ना मतलब गियर शिफ्ट वाला होता है वैसा लगता है, जैसे ये इकोनॉमी का है, ये स्पोर्ट्स का, ये सिटी मोड है। आपको 6 गियर ट्रांसमिशन वाला ये मिल जाता है। थोड़ा मतलब वीडियो स्टार्ट करने तो मुझे ध्यान नहीं था ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है तो उसके लिए सॉरी। आपको कुछ ऐसा स्टेयरिंग मिल जाता है, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल जो भी अपना कंप्लीट मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्टेयरिंग रैप मिल जाता है। ये लाइट की बात करें तो ये भी आपको वाइट मिलती है, इस साइड माइक मिलता है, इधर सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। इसे हम बंद कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हाथ से कर लेंगे।
ये आपको गियर नॉब मिल जाता है, इधर आपको ये सॉकेट वगैरह मिल जाता है, इधर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर आपको स्टीरियो के कंट्रोल्स मिल जाता है, ऐसा कुछ स्टीरियो मिलता है जो कि हारमन का है। ये आपको और भी मिल जाता है डे नाइट वाला। और सनवाइजर की बात करें तो इस साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, इस साइड आपको मिरर मिल जाता है, ये तीन साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, सीट बेल्ट मिल जाता है। भाई मतलब गाड़ी तो मस्त है, बिल्कुल एकदम मस्त, और 5 स्टार रेटिंग है भाई। सबसे अच्छी बात तो जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इधर ये भी बहुत मस्त लगता है, मतलब ब्रेजा की तरह नहीं है, मतलब यहाँ से दब रहा है या जो भी है, कुछ भी नहीं इसमें ऐसा। तो चलो भाई मैं आपको जैसे पीछे और स्पेस चेक करा देता हूँ इस गाड़ी में। तो जैसे मेरी 6 फुट हाइट है तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। भाई ब्रेजा से सही मैं यही रिकमेंड करूंगा आप मतलब नेक्सॉन की तरफ जाएं, इसमें आपको एसी वेंट्स वगैरह मिल जाता है भाई, मतलब सनरूफ वगैरह मिल जाती है इस साइड आपको, वही यहाँ पर ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, सीट बेल्ट वगैरह मिलती है अपने को, फैब्रिक की सीट मिल जाती है भाई। भाई गाड़ी मस्त है बिल्कुल एकदम, ये पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। अगर भाई इसमें पार्सल ट्रे कंपनी आपको ऑफर करती है, ये आपको वो मिल जाता है, इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आर्म रेस्ट में, और ये आपका एडजस्टेबल ये मिल जाते हैं भाई। अगर भाई हम इसका बूट स्पेस और चेक कर लेते हैं भाई, बूट स्पेस के लिए अपने को यहाँ पे बाहरी पार्किंग ये दे रखा है भाई, रिक्वेस्ट सेंसर, तो मतलब अंदर होता है तो मतलब पता नहीं लगता मतलब कहाँ से है, तो मतलब ये दबाया, ये देखिए मतलब काफ़ी डीप लगता है भाई, मतलब 4 से 5 बंदे मतलब आराम से मतलब उनका सामान आ सकता है। स्पेयर टायर दिखाऊं तो मैं यहाँ पर आपको स्पेयर टायर मिल जाता भाई, जो कि मतलब सेम साइज का ही है, मतलब कोई वो नहीं कर रखी इन्होंने। इधर आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मैंने दिखा दिया भाई, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है भाई, गाड़ी तो है बिल्कुल मस्त भाई। टाटा नेक्सॉन के मेन इंजन के बारे में बात करें ना, जो कि 1499 सीसी का इंजन मिलता है, ये कम्पिटिट करता है ब्रेजा जैसी गाड़ियों से, वेन्यू होगी, ये 1.5 लीटर टर्बोचार्जर इंजन है, ये भाई 108 bhp की पावर निकालता है 4000 rpm पे। अगर भाई टॉर्क वगैरह हम देखें ना इसका 260 nm का है सॉरी, जो कि भाई बहुत सही है, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता आपको भाई, मतलब पेट्रोल के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये। तो भाई जैसे कि ये है एक SUV है, सब कॉम्पैक्ट SUV है, जिसके डायमेंशंस पे बात आती है मेन, मतलब कितनी मतलब डायमेंशन है भाई, लेंथ देखे तो भाई आपको 3993 की ये मिल जाती है mm की लेंथ, विड्थ देखते हैं तो भाई विड्थ भी अच्छी लगती है काफ़ी आगे से 1811 mm की विड्थ मिल जाती है भाई, और हाइट भी गाड़ी की काफ़ी है 1606 mm की हाइट मिल जाती है भाई। भाई मेन अपने को ये और देखना है SUV है तो मतलब ऊंचे नीचे से टच ना हो, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई आपको 209 nm का मिल जाता है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो भाई हम इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।